सर आज आपने ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव की और हेलमेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की, तो क्या बताएंगे जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस हो रही है? ट्रैफिक रूल की वायलेशन लोग करते हैं, हमने बार बार अपील की हुई है कि ट्रैफिक वायलेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कानूनन भी गलत है और उनकी सेहत के लिए भी गलत है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस डेथ हो सकती है। तो हमेशा जो भी बाइकर्स जितने भी हैं वो हेलमेट लगा के निकले, ऐसे ना निकले। तो सर आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बोलेंगे? आज हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के थ्रू हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ का ये जो हमने हेलमेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, वो हमने देख ली। यहाँ पर जो भी यूथ हैं, यहाँ पर जो आ रहे हैं बगैर हेलमेट के, उनको हमने सर आपने रोड रोमियोज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, अभी तक 14 लड़कों को आपने पकड़ा है, तो इस पर क्या बोलेंगे जो स्टंट भी मारते हैं और काफ़ी लड़कियाँ रिपोर्ट्स कर रही हैं कि उनके साथ यूटीजिंग हो रही है, तो इस पर लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऑलरेडी हमने एक्शन स्टार्ट किया, जो ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने एक्शन स्टार्ट कर लिया। हम प्रॉपरली इनके पेरेंट्स से बॉन्ड्स लिख के लेते हैं कि आइंदा ऐसे बच्चे न करें, हम उनका कैरियर खराब नहीं करना चाहते। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उसमें कि पेरेंट्स अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि उनके घर में भी माँ बेटियाँ हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो हर पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को वो संभालें, क्योंकि उनकी बेटी भी कॉलेज जा रही है। सर, रॉन्ग पार्किंग एक सबसे बड़ा इशू है और जो ट्रैफिक जाम्स हैं, तो हम देख रहे हैं कि सड़कों में भी जो 20 सड़कों में जो है वो गाड़ियां पार्क हो रही हैं, और ख़ास तौर पर कॉलेज जाते वक्त जो है सबसे ज़्यादा जाम होता है ट्रैफिक। आप कॉलेज के रोड के जाम का नहीं बताएं, यहाँ पर जो राइट फ्रॉम मालीपेट से देख लो और यहाँ पर डाकबंगला चौक तक, यहाँ पर रोड बड़ा कंजेस्टेड है, तो उस वजह से भी रोड की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक स्मूथली चलता है। आप लोगों ने उतरना होता है, मेन बाजार भी यही है, इसमें लोगों ने परचेजिंग भी करनी होती है, सुबह के टाइम रश होता है, लेकिन हम इसमें एक्शन करते हैं। सर, हमने देखा कि पिछले दिनों भद्रवाह से एक कॉलेज स्टूडेंट के बीच में जो है वो ड्रग्स घुस रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ पर बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और इस चीज़ पर नज़र रखने के लिए क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? हम पिछले एक साल से बिल्कुल ड्रग्स पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, और हमने आज की डेट में जहाँ कहीं से भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है या छोटा सा भी क्वांटिटी में जो ड्रग्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया जाता है, अरेस्ट हम कर लेते हैं। तो सर, इस पर क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को भी और उन स्टूडेंट्स को भी जो ड्रग्स में मुब्तला है? खासकर पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि टाइमली वो अपने बच्चों को नहीं देखते हैं कि वो टाइम पर जा रहे हैं स्कूल या टाइम पर वापस आ रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स बहुत जिम्मेदार हैं, उनको देखना चाहिए अपने बच्चे वो टाइम पर आ रहे हैं। अगर वो टाइम पर नहीं आ रहे हैं तो वो देखना है क्यों नहीं आ रहे हैं, तो अगर नहीं आ रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ था, तो यही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व बच्चे हो जाते हैं, तो पेरेंट्स की सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। सर, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं जो रोड रोमियोज को जो है वो पकड़ा गया था, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? देखें, वो उनकी गलतफहमी है, और जिस दिन उसके घर तक बात पहुँच जाएगी तो वो खुद ही इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सर।